भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मंगलवार को पाक रेंजर्स की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें 2 बीएसएफ जवान घायल हो गए। बीएसएफ प्रो के मुताबिक यह घटना इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुबह 8:15 बजे की है। घायल बीएसएफ जवानों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इसके बाद अरनिया सेक्टर में तैनात भारतीय जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की। 2021 में दोनों देशों के बीच हुए शांति समझौते के बाद सीज़फायर उल्लंघन की यह पहली घटना है। सेना के अधिकारियों ने बताया, बीएसएफ के 2 जवान बिजली के खंभे में चढ़कर लाइट ठीक कर रहे थे, तभी पाकिस्तानी रेंजर्स ने गोली चला दी। यह इलाका बॉर्डर से करीब 60 मीटर और सीमा चौकी विक्रम से करीब 1500 मीटर की दूरी पर है। भारत और पाकिस्तान ने 25 फरवरी 2021 को युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों देशों ने घोषणा की कि वे जम्मू कश्मीर और अन्य क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा LOC पर युद्ध विराम पर सभी समझौतों का सख्ती से पालन करेंगे। तब इस्लामाबाद और नई दिल्ली में जारी एक संयुक्त बयान में इसका ऐलान किया गया था। भारत और पाकिस्तान ने शुरुआत में 2003 में युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन पाकिस्तान समझौते का उल्लंघन करता आया है। 2020 में 5000 से ज़्यादा बार गोलीबारी की घटना हुई, जो एक साल में सबसे ज़्यादा थी। 2021 में युद्ध विराम की घोषणा से पहले पाकिस्तान ने LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर गोलीबारी की थी, जिसमें भारत में बॉर्डर के पास के स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और धार्मिक स्थानों को नुकसान पहुंचा था। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़।